सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आ चुकी थी गुडर्थ सिटी मॉल और यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस करने वाली थी एयरटेल का 5G प्लस। मॉल के बाहर ही ये सेटअप लगा हुआ था तो मैं बिना देरी किए हुए बच्चों की तरह आ गई थी पहले VR बूथ पे। भैया से पूरी चीज़ें पूछी कि VR में मुझे क्या क्या दिखाया जाएगा। भैया ने मुझे गाइड किया, मुझे ये VR का ये सेटअप पहनाया और उन्होंने मुझे गाइड करना स्टार्ट किया। पहले मुझे उसके फंक्शंस बताए बिकॉज मुझे बटन्स के बारे में कुछ नहीं पता था। एंड देन मुझे बताया कि आपके सामने सबसे पहले एक बड़ा सा अर्थ दिख रहा था, उसे क्लिक करना था जाके। एंड देन मुझे सब कुछ दिखने लगता था कर्सर से। 9 प्लैनेट्स उन्होंने मुझे गाइड किया और दिखाया मेरे साइड। टर्न बाय टर्न मैं करती जा रही थी, मुझे पूरा अर्थ के 9 प्लैनेट्स दिख रहे थे, सॉरी 8 प्लैनेट्स। और उसके बाद भैया ने मुझे एक क्लिक करवाया और मुझे पूरा नॉर्थ पोल दिखने लगा। नॉर्थ पोल को गाइड करने के बाद और उसे अच्छे से एक्सप्लेन करने के बाद भैया ने मुझे दिखाए बहुत सारे पिरामिड्स, इजिप्ट का सैर करा दिया वो भी गुडर्थ सिटी मॉल में ही। और सब कुछ दिखाने के बाद बस उन्होंने मेरे हाथ से लिया। एंड देन मुझे देने थे 6 क्वेश्चन के आंसर्स अपना मेल और फ़ोन नंबर डालने के बाद, जिसमें से मेरे आंसर्स 5 करेक्ट थे। तो मुझे मिला एक छोटा सा गिफ्ट। एंड देन मैं बढ़ चली थी अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर से मिलने, जो कोई और नए टेकवाइज़र थे। पहले तो मैं उन्हें दूर से स्टेयर कर रही थी बिकॉज वो काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। फिर मेरे साथ वालों ने मुझे उनके पास ले गए और मुझे उनसे इंट्रोड्यूस कराया। मैंने बहुत सारी बातें की टेकवाइज़र से रिलेटेड, उनके कंटेंट्स रिलेटेड, 5G प्लस के बारे में एंड उनकी जर्नी के बारे में। वो थोड़ा सा इनिशियली झिझक रहे थे बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं सारी बातें अपनी कंटेंट्स में डाल दूँगी, बट ऐसा कुछ नहीं था। मैंने जब उन्हें बताया तो उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरे कंटेंट के रिलेटेड कुछ बातें पूछी और मैंने उनसे बहुत कुछ शेयर किया रिगार्डिंग द टेक्नोलॉजी। मेरा क्या इंटरेस्ट था हमेशा से टेक्नोलॉजी में और मैं भी आना चाहती थी, एक टाइम था टेक्नोलॉजी में ही रिलेटेड कंटेंट्स बनाना चाहती थी। देन मेरी टीम मुझे और टेकवाइज़र को अंदर ले गई बिकॉज उन्हें कुछ शॉट्स लेने थे एयरटेल के इनसाइड स्टोर्स के हमें बात करते हुए। तो ये यहाँ पे मैंने वो वीडियो भी लगाई हुई है जहाँ पे हम बातें कर रहे हैं कई सारी रिलेटेड 5G प्लस के बारे में, बिकॉज वो हमारे वीडियो की वहाँ की डिमांड थी। एंड देन मैंने उनसे की ढेर सारी बातें, उन्हें थैंक यू बोला बिकॉज उन्होंने अपना वैल्यूबल टाइम मुझे दिया था, मुझे काफ़ी कुछ गाइड किया था रिलेटेड टू 5G प्लस के बारे में। एंड मुझे एक बात और पता लगी कि वो चेन्नई किंग्स के बहुत बड़े फ़ैन हैं, जो बट मैं उन्हें कैसे बताती, मैं तो IPL देखती नहीं हूँ। उन सब के बाद हम बढ़ चले थे अभी अपने स्पीड टेस्ट बूथ की तरफ, जहाँ पे मैंने एक्चुअली में फर्स्ट टाइम देखा ओखला स्पीड नेटवर्क के थ्रू कि एयरटेल 5G प्लस का स्पीड करीबन 800 Mbps से भी ज़्यादा है। रियली फ्रेंड्स, फ़ोन में ये इतना स्पीड दे रहा है तो लैपटॉप या TV में ये कितना फास्ट चलेगा, गेमिंग में कितना इजी रहेगा। अगर हम स्कूल्स की पढ़ाई में इसे यूटिलाइज़ करते हैं तो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होगा। तो मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा रही हूँ, ये देखिए स्पीड। एंड देन उसके बाद सच में मुझे तो इसे देखने के बाद मन कर दिया कि मैं अब क्लाउड गेमिंग जोन में जाऊँ और थोड़े से गेम्स खेलूँ। वैसे मुझे गेम्स का भी इतना कुछ एक्सपीरियंस है नहीं, बट हाँ, मैंने बचपन के बाद इस दिन पहली बार गेमिंग एक्सपीरियंस लिया था। मज़ा आ रहा था बिकॉज टेक्नोलॉजी तो थी ही थी, प्लस स्पीड भी था, सीमलेस नेटवर्क भी था, सब कुछ था वो भी एक साथ। तो मैंने लिया थोड़ी देर गेमिंग का एक्सपीरियंस एंड देन हम बढ़ चले थे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो कुछ और नहीं था। मैंने कुछ और क्लिप्स लिए, कुछ मम्मी के साथ भी वीडियोस बनाए और मम्मी को भी एक्सपीरियंस कराया VR का इफेक्ट का। तो आप वो वीडियो देखना मत भूलिएगा, मैं इसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो में मम्मी का VR इफेक्ट का एक्सपीरियंस ज़रूर डालूंगी। और एट द एंड हमने बनाया एक शॉर्ट वीडियो जिसमें मैंने ऐसे कुछ पोज किया। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। अगर मुझे ट्रॉल करना हो तो सॉरी मत करिएगा।